नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन। ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन एक बहुत प्रभावी मेडिटेशन है। इसका प्रभाव आप तुरंत ही महसूस करेंगे। दोस्तों, ब्रह्मांड की सारी शक्ति और सारे मंत्र एक शब्द में सिमट जाए तो वह एक शब्द है, धन्यवाद, शुक्रिया। क्या आपको पता है ब्रह्मांड ने हमें क्या कुछ नहीं दिया है? क्या गीला करूं, क्या शिकवा करूं तुझसे, मेरा तो सर ही नहीं उठता तेरे एहसानों के बोझ से। रिसर्च ये कहता है ग्रैटिट्यूड या थैंकफुल की प्रैक्टिस, इससे आपकी हेल्थ अच्छी होती है, आपका माइंड शक्तिशाली बनता है, आपकी सेल्फ एस्टीम ऊंची होती है और ब्रह्मांड की सारी खुशियां आपकी तरफ खींचती हुई आती है। तो चले मेडिटेशन करते हैं। आराम से बैठ जाएं, एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। एक और सांस अंदर और धीरे से बाहर। हर सांस के साथ, बाहर जाती सांस के साथ आपका शरीर ढीला पड़ रहा है। एक और गहरी सांस अंदर लें और धीरे से बाहर। अंदर जाती हुई सांस आपको ऊर्जा दे रही है और बाहर जाती हुई सांस उसके साथ आपके सारे तनाव कठिनाइयां बाहर निकल रही है। दुनिया में उस इंसान के पास हर चीज का संभव है जिसके पास ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड है, ग्रैटिट्यूड के शब्द है, ग्रैटिट्यूड की भावना है। वही इंसान जिसके पास ग्रैटिट्यूड नहीं है उसके लिए हर चीज मुश्किल है, हर चीज मुश्किल है। अपने शरीर के साथ बने रहे और अपनी चेतना को अपने सांसों के ऊपर ले आए, सांसों के साथ एक बन जाए, अपनी हर एक सांस की तरफ ध्यान दे, आती हुई सांस, जाती हुई सांस, सांसों के दृष्टा बन जाए। और जो जो आप अपनी सांसों को देख रहे हैं वैसे ही आपका शरीर और ढीला पड़ रहा है। कमर सीधी रखिए, एक लंबी गहरी सांस अंदर लें और धीरे से बाहर। अब आप अपनी जीवन की उन तीन घटनाओं को याद करें जब परमेश्वर ने आपकी बहुत बड़ी मदद की थी। यह वो घटना हो सकती है जब आप बाल बाल बच गए थे, या फिर कोई आपका बड़ा काम
चुटकियों में हो गया था। चलिए पहली घटना, उदाहरण मैं मेरे जीवन के बारे में बताती हूँ, आप अपना देखें। एक बार एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मुझे खरोच भी नहीं आई। वहीं मेरे पास मेरी एक सहेली बैठी थी, उसके पैर की हड्डी टूट गई थी। आप अपने किसी इवेंट में जाएं और देखें कि परमेश्वर ने आपकी कैसी मदद की। उस घटना को याद करके परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद करें, तहे दिल से धन्यवाद अदा करें। अब दूसरी घटना पर जाएं और देखें किस तरह से ब्रह्मांड ने आपकी मदद की। आप एक ब्लेस्ड चाइल्ड है उस भगवान के, और जो आप इन घटनाओं पर आप अपने माइंड को फोकस करने में और मन में थैंक यू की भावना लाते हैं, आपके हृदय में कुछ संवेदनाएं उठ रही है। इन संवेदनाओं की साक्षी बने। अब तीसरी घटना को आप जहन में लाइए और देखिए आप किस तरह से लकी है। हो सकता है आपको कहीं एडमिशन चाहिए हो और कोई पहचान का मिल गया हो, एडमिशन मिल गई, या फिर बहुत ज़बरदस्त आपको एक बिजनेस डील करना है और अपने आप हो डील हो गई, जो आपको लग नहीं रहा था कि हो जाएगी। देखिए आप किस तरह लकी है, और इन घटनाओं को याद करके भगवान को, परमेश्वर को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दे, शुक्रिया बने, शुक्रिया बोले, अपने शरीर के कण कण से शुक्रिया अदा करें, हर सांस के साथ थैंक यू और थैंक यू। 10 बार बोले, जैसे जैसे आप सांसें लेते हैं, सांसें छोड़ते हैं, 10 बार थैंक यू, धन्यवाद, तो शुक्रिया बोले, शरीर के कण कण से बोले शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आप कितने खुशनसीब हैं, खुशकिस्मत है कि आज आप जिंदा हैं। कितने ऐसे लोग हैं कि जो आज के सूरज को देख ही नहीं पाए, या फिर कितने ऐसे लोग हैं कि जो आज इस धरती को अलविदा कर देंगे। परमेश्वर को धन्यवाद दे कि उसने आपको आज जिंदा रखा है, एक और दिन दिया है आपके जीवन में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू। शरीर का कण कण गा रहा है थैंक यू। अपनी चेतना को अपने हार्ट पर ले जाइए, वहां पे निर्माण हुए तरंगों को, लहरों को देखना शुरू करें और आनंद शुरू करें और दिल से धन्यवाद करें। अगर आप देख सकते हैं, जो भी आप खुशकिस्मत हैं,
क्योंकि हजार लोग इस दुनिया में अपनी आंखों से देख नहीं सकते, अगर आप सुन सकते हैं तो आप बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सुन नहीं पाते हैं। जो भी है आपके पास, जो भी है आपके शरीर के दो हाथ दो पांव, दो कान दो नाक दो आंख, आप बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सब तमाम बातें नहीं है। और अगर आपके लाइफ में कुछ मिसिंग है तो भी उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि हम अपनी कमियों से, अपने अभाव से ही अपने जीवन में लेसन सीखते हैं, पाठ सीखते हैं। हर एक सांस के साथ ब्रह्मांड को थैंक यू, धन्यवाद अदा करें। अपने राइट हैंड को अपने हार्ट पर रखें और अपने हार्ट से जुड़े उठे संवेदनाओं का आनंद लेना शुरू करें। हर सांस के साथ थैंक यू बोले, हर सांस के साथ थैंक यू बोले। और मेरे शब्दों को एंजॉय करते रहें। अगर आपके पास पहनने के लिए कपड़ा है, कपड़े हैं, वस्त्र है, तो परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास कपड़े नहीं हैं। अगर आपके पास खाने के लिए है तो शुक्रिया अदा करें, क्योंकि बहुत से लोग आज भूखे ही पेट सो गए हैं और भूख से बहुत से लोगों की मौत हो जाती है। अगर आपके पास रहने के लिए घर है, एक छत है, तो आप बहुत लकी है। भगवान को धन्यवाद करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ठंड में, बारिश में, धूप में इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनके सर पर कोई छत नहीं होता। हर उस एक छोटी और बड़ी वस्तु के लिए ब्रह्मांड को थैंक्स बोले, शुक्रिया बोले, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने क्या खूब कहा है, ऐ मेरे मौला, हम दोनों ही कितने भुलक्कड़ हैं, तू रोज मेरे अपने गुनाहों को भूल जाता है और मैं हर रोज तेरी रहमतों को भूल जाता हूँ। अपनी चेतना को पूरी तरह से अपने हार्ट पर फोकस करें और इमेजिन करें आपका हार्ट एक्सपैंड हो रहा है, फैल रहा है और फैलता ही जा रहा है। इस सेंसेशन का आनंद लेते रहे। आपके हृदय से जो आनंद, ग्रैटिट्यूड की लहरें उत्पन्न हो रही है, वो पूरे शरीर में एक इलेक्ट्रिक करंट की तरह फैल जाने दीजिए। आपके पूरे शरीर में ग्रैटिट्यूड और थैंकफुलनेस की सुंदर सेंसेशन फैल रही है। ये संवेदनाएं पूरे शरीर में फैल रही है। सिर से पांव तक, हाथों में फैल रही है, पांव में फैल रही है। कुछ देर इसे एंजॉय करें और कल्पना करें कि आपका हार्ट
बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू, धन्यवाद। पूरी शरीर में ग्रेटिट्यूड की लहरें फैल रही है। इस पल का आनंद ले। अगर आप अपने जीवन में कुछ एक्सपांड करना चाहते हैं, चाहे वो धन है, स्वास्थ्य है, या आपके रिश्ते हैं, या आपके स्पिरिचुअल पावर है, तो आप उसके लिए ब्रह्मांड को थैंक यू बोले, यूनिवर्स को लवफुल ग्रेटिट्यूड दे। यूनिवर्स लव ग्रेटफुल पीपल। हर एक सांस के साथ आपके हृदय में उठ रही खूबसूरत संवेदनाओं के साक्षी बने, उसका आनंद ले, एंजॉय करे। थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जो भी भगवान ने हमें दिया, यूनिवर्स ने दिया, उसे हमने जब ग्रेटफुल थैंक यू बोलते हैं तो यूनिवर्स हमें बहुत बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। परमेश्वर ने मुझे जो भी दिया उसके लिए शुक्रिया, जो नहीं दिया उसके लिए भी तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि कठिनाइयों और चुनौती, अभाव, ये मेरे लिए एक पाठ पढ़ाने के लिए, कुछ सीखने के लिए आई है। मैं इसमें से पाठ पढ़ूंगी, सीख सीखूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इस ध्यान से ही आप अपने कॉन्शियस में इसे एटीट्यूड में चेंज कर लीजिए। रोज आप खुद को ये बताएं कि आपकी मुश्किलें कितनी छोटी है और खुदा आपको, परमेश्वर आपके साथ है हर पल। अपनी मुश्किलों को बड़ा मत बनाएं, मुश्किलों को बताएं कि मेरा खुदा मेरे साथ है, वह बड़ा है, मेरा परमेश्वर बड़ा है। हर सांस के साथ परमेश्वर को थैंक यू बोले। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए ब्रह्मांड को आप थैंक्स बोले। आप उस वस्तु को, उस घटना को अप्रिशिएट करें। अपनी ये संवेदनाओं को अपने अंदर समेटते हुए एक खूबसूरत अपने अंदर भावना निर्माण करें। इसे एंजॉय करें और यही भावना अपने कॉन्शियसली हमेशा लाते रहें, याद करते रहें और ब्रह्मांड को धन्यवाद देते रहें। अब वक्त है वापस लौटने का। आसपास के आवाज को सुनना शुरू करें। अपने वस्त्र को, उसका स्पर्श अनुभव करें। सजग हो जाइए। मैं 3 तक काउंट करूंगी। आप धीरे से आंखें खोल दीजिए। वन, टू और 3। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं।